नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति अधिकारी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा की लड़ाई में। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ही मतदान को लेकर के पार्टियों के साथ साथ जनता का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के जयपुर के माधोपुर गाँव में रहने वाले एक परिवार की, जिसने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने एक सदस्य के लिए शादी समारोह का आयोजन करने का फैसला किया। देखिए, राजस्थान में लोकसभा चुनाव दो चरणों में 19 और 26 अप्रैल को होंगे और इसी बीच हैरान करने की बात यह है कि इस परिवार ने शादी के निमंत्रण कार्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ अब की बार 400 बार और फिर एक बार मोदी सरकार स्लोगन भी कार्ड पर छपवाए। दरअसल इस परिवार का कहना है कि मतदाताओं को पीएम मोदी के प्रयासों से अवगत कराने के उद्देश्य से कार्ड पर अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर भी छपवाई गई और सभी से लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील भी की गई। ऐसे अनोखे आइडिया पर धूले के भाई विनोद कुदिया ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। आज से दो वर्ष पूर्व हमारे परिवार के सदस्य ने निर्णय लिया था, बस जिस दिन भी लोकसभा चुनाव होगा उस दिन परिवार के एक सदस्य की शादी जरूर करेंगे और इसी को लेकर कार्ड पर आदरणीय मोदी जी की और श्री राम मंदिर जी की फोटो छपाई हमने। हम देश के हित के लिए अहम निर्णय और कार्य से बेहद प्रभावित हैं। मेरी भावना मोदी जी से प्रेरित है। मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमको अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर दिया है। हमारी वर्षों पुरानी तपस्या पूर्ण हुई। ऐसे में मोदी जी में हमारे लिए भगवान श्री राम दिखते हैं और आप सभी से निवेदन है, कृपया लोकसभा चुनाव मतदान कर हमारी शादी में जरूर पधारे। तो ये था लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के उत्साह का एक छोटा सा पहलू, जिसे पता चलता है कि आज की जनता मतदान को लेकर के कितनी जागरूक है और देश के विकास को अपना अधिकार मानकर एक सही चुनाव में अपना योगदान देना भी एक सुदृढ़ भारत की कल्पना को साकार करने के पड़ाव पर दर्शाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।